नजर, बाय द वे कोचिन शिपयार्ड पर रख लेते हैं नजर। ऑफ कोर्स आईएनएस विक्रांत की बात हो रही है तो कोचिन शिपयार्ड तो मोमेंटम में ही 2.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड। अभी देखिए बात करते करते ये काउंटर थोड़ा आपको और अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी से राय लेनी थी। सिद्धार्थ जी, कोचिन शिपयार्ड तो आज ऑफकोर्स फोकस में है, बट मजगांव डॉक देखिए सर, पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में अच्छा उछाल आते हुए दिखा है। इस स्पेस पर आपके कोई प्रेफरेंस सर, जिस तरह से अब एग्रेसिवली डिफेंस फोर्सेज अपना प्रोक्योरमेंट एक्सपैंड करने की तैयारी में है? देखिए दीपांशु, डिफेंस का जो कंट्रीब्यूशन है आज इंडाइसेस में वो बहुत ही मिनिमल है। ये मैं मानता हूं कि ये डबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वेटेज। यहां से जो पूरा सेक्टर का तबका है ये यहां से डबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। बहुत मजबूत स्पेस है और ये स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दमदार स्टॉक है। आपको अगर याद हो तो सिट की सिप में मैंने डिफेंस का 2 बार थीम लेके आया हूं, तो ये स्पेस बहुत अच्छा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कोचिन शिपयार्ड मजगांव डॉक, ये दोनों ही कंपनियां मजबूत कंपनियां, ये पूरे ही स्पेस में आप चुनिंदा अच्छी 2-3 कंपनियां चुन के रखें तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए डिफेंस। तो डिफेंस में एचएल फॉलोड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक टॉप पिक्स रहेगा। और आज तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे मोमेंटम में आपको दिख रहा है एक बार फिर से, लगातार रोज रेडार पर आता है, आज भी अच्छे रेडार पर है। बीईएल में खरीदारी फिर से हो रही है। शुभम जी, बीईएल के चार्ट देखिए सर, 325 का लेवल, अब क्या करना है इसमें? दीपांशु जी, बीईएल में कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि न्यू हाई बनता जा रहा है और बेहतरीन चार्ट सेटअप है। मुझे लगता है ये जो रैली है वो और एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा और लगभग 335-340 के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी खरीदारी की राय है, 319 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 335-340 तक का लक्ष्य होगा। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस पर भी रखेगा नजर, ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है।